अगर दोस्तों आपके एरिया में भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पावर कट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पर आप चाहते हैं अपने पीसी को सेफ रखना, साथ ही में जो भी आप काम करते हैं अपने पीसी के ऊपर वो आप इजीली सेव कर पाए, तो मैं मानता हूं कि आपका एक गैजेट में इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है, और वो है यूपीएस। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जाऊंगा ऐसे टॉप 5 यूपीएस जिन्हें आप अपनी यूसेज के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ताकि आपके वर्क फ्लो में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आपको देखने को ना मिले। साथ ही में मैं दोस्तों ऐसे कुछ पॉइंटर्स की जानकारी भी बताऊंगा जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप कोई भी यूपीएस बाय करें, और साथ ही में एक तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप बेस्ट ऑप्टिमल वे में अपने यूपीएस को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, और वो ये है कि हम जो भी आप तक वीडियोस लेके आते हैं वो किसी भी तौर से स्पॉन्सर नहीं होती है। हम आप तक मोस्ट रिलायबल और जेन्युइन प्रोडक्ट ही रिकमेंड करते हैं जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, साथ ही में आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो। दोस्तों अगर आपको आज की इसमें से कोई भी यूपीएस पसंद आता है और आप चाहते हैं उसे बाय करना, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा सा यूपीएस तो देखने को मिल जाएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से। और दोस्तों वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के आगे आने वाले सेक्शन में मैं बताने जाऊंगा आज की लिस्ट में से मेरा फेवरेट यूपीएस। बाइंग गाइड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं यहाँ पे पहले पॉइंटर के बारे में जो कि है बैटरी कैपेसिटी ऑफ योर यूपीएस। यहाँ पे आपको हमेशा चेक कर लेना है कि जितने आपके पीसी की पावर कंजप्शन है उतने ही वोट का आपको यूपीएस बाय करना है, या फिर उतने ही वीए का आपको यूपीएस बाय करना है। अब आप वो सोचेंगे कि आप पावर कंजप्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने पीसी की, तो बस आपको नीचे दिए गए लिंक से आपको चेक कर लेना है कि आपके पीसी की कितनी पावर कंजम्पशन है। उस वेबसाइट का नाम है outervision.com। तो वहां पे जाके आपको बस अपने पीसी के स्पेक्स फिल करने हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी की कितनी पावर कंजम्पशन है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप उसी हिसाब से ही आप अपने लिए एक अच्छा सा यूपीएस कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है वो है कि कितना बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके यूपीएस की तरफ से। यहाँ पे आपको डिफरेंट लेवल ऑफ बैटरी बैकअप प्रोवाइड किए जाते हैं। हाई एंड यूजर्स के लिए थोड़ा कम होता है ये, वहीं अगर आप मॉडरेट यूजर हैं तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है आपकी यूपीएस की तरफ से। ये वेरी करता है 50 मिनट से लेके 30 मिनट तक, और इवन इन सम केस ये अप टू 1 आवर तक भी एक्सटेंड करा जा सकता है, बट ये टोटली डिपेंड करता है आपकी यूसेज के ऊपर। आइए जानते हैं तीसरे पॉइंटर के बारे में जो कि है लोड कैपेसिटी ऑफ योर यूपीएस। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपके पीसी के हिसाब से आपका यूपीएस बिल्कुल कंपेटेबल बैठेगा इन टर्म्स ऑफ लोड कैपेसिटी, यानी कि जितने टर्म्स ऑफ वोल्टेज रिक्वायरमेंट है आपके पीसी को जब भी पावर ब्रेक होगी वहां पे आपका यूपीएस सपोर्ट कर पाएगा उतनी ही पावर को। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, उस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। outervision.com के नाम से है वो वेबसाइट, बस आपको अपने पीसी की स्पेक्स फिल आउट करनी है उस वेबसाइट के अंदर और आप जान सकेंगे कि कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको अपने यूपीएस के अंदर। हमारे बाइंग गाइड का नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए जिन लोगों को अपना वाईफाई राउटर को भी अपने यूपीएस के साथ में कनेक्ट करना है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि लो पावर लोड की फीचर को इनेबल किया गया हो आपके यूपीएस के अंदर। आप सोचेंगे कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होगा, कई यूपीएस में आपको देखने को मिल जाता है ये फीचर, और ये फीचर मदद करता है आपके राउटर को भी पावर देने में, क्योंकि कई यूपीएस के अंदर ऐसा होता है कि वो आपके राउटर को पावर नहीं दे पाता क्योंकि राउटर की पावर कंजप्शन जो है वो काफी ज्यादा कम होती है इन कंपैरिजन टू योर पीसी। तो आपका यूपीएस ये समझता है कि अभी कोई मेरे साथ में डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो मैं ऑटोमेटिकली शट डाउन कर जाता हूं या फिर पावर नहीं देता हूं अपनी एनर्जी को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो एक बात का जरूर ध्यान रख लीजिए कि लो पावर लोड का फीचर जो है वो आपके यूपीएस में इनेबल हो या फिर अवेलेबल भी हो। दोस्तों जानते हैं हमारे बाइंग गाइड के सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, और वो है एवीआर का अवेलेबल होना आपके यूपीएस के अंदर। AVR मतलब ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन। ये आपकी मदद करता है आपके पीसी तक वोल्टेज को एक स्टेबल वे में पहुंचाने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वोल्टेज हमारे घरों में आती है वो बिल्कुल अनस्टेबल होती है, कभी वो हाई पे होती है तो कभी वो लो पे होती है जो कि रिक्वायरमेंट होती है आपकी पीसी को। तो ये एक तरीके से स्टेबलाइजर का काम करता है आपके पीसी के लिए भी, तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो जाती है अगर आपके यूपीएस के अंदर AVR फीचर अवेलेबल हो, ताकि आपके पीसी को एक स्टेबल इलेक्ट्रिकल फ्लो मिलता रहे और आपके पीसी को ज्यादा हार्म ना हो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इररेगुलेशन। आइए जानते हैं कुछ स्टेप्स के बारे में जिनको कंसीडर कर सकते हैं अपनी यूपीएस की ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। उनमें से सबसे पहला स्टेप जो है, जब भी आप एक यूपीएस को बाय करें तो उसे कंप्लीटली चार्ज होने दे,
क्योंकि आपको पता नहीं कि यूपीएस आपके पास कब आया है, क्योंकि वो पिछले एक दो महीने इवन फाइव मंथ्स या फिर इवन वन ईयर से किसी गोडाउन में रखा होगा, तो वहां पे उसका जो चार्ज है वो कंप्लीटली लो हो गया होगा। आप बिल्कुल जैसे यूपीएस को ओपन करेंगे और उसे प्लग इन करके यूज करने लग जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको एक बारी को उसे चार्ज करके रख लेना है, एक दिन ओवरनाइट पूरा कंप्लीटली चार्ज होने दे अपने यूपीएस को, ताकि आपका यूपीएस जो है वो अपने फुल पोटेंशियल पे रन कर पाए। दोस्तों अगर आपने यूपीएस ले लिया है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी पावर कट आता है उसके बाद आप अपने गेमिंग सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर आप अपने वर्किंग सेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि आप ऐसा बिल्कुल भी करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपने जो यूपीएस बाय करा है उसकी एनर्जी एफिशिएंसी बनी रहे। अगर आप ऐसा करते हैं, आप कंटिन्यूसली अपने UPS को अल्टीमेटली यूज़ करते हैं जब तक उसकी बैटरी बिल्कुल डेड ना हो जाए, तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप अपने UPS के साथ में एक तरीके से उसकी बैटरी को डेड भी कर रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना अपने UPS के पावर बैकअप के ऊपर। आपको बस अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेना है या फिर अपनी गेम को सेव कर लेना है, ताकि आप उसे बाद में कंटिन्यू कर सके जब आपकी पावर आ जाए। आपको UPS को एक तरीके से एमरजेंसी बैकअप के तौर पर ट्रीट करना है, ना कि एक कंटिन्यूस पावर सोर्स की तरह। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों को जरूर ध्यान रखना है जो अभी करंटली UPS इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका UPS जो है इतना अच्छा पावर बैकअप नहीं दे रहा है जैसे वो पहले देता था, और आप चाहते हैं एक अच्छा से UPS बाय करना, तो प्लीज एक बारी को अपने इस डिसीजन को होल्ड पे रखिएगा, क्योंकि आपको बस एक चीज करनी पड़ेगी जिसके लिए आपका मनी भी सेव हो सकता है, साथ ही में आपको एक नए UPS बाय करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बस आपको अपने UPS की बैटरी को चेंज करना होगा। UPS की बैटरी आफ्टर मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल होती है, और UPS की बैटरी का जो बैटरी लाइफ स्पैन होता है वो होता है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक का। तो आफ्टर 2 ईयर्स आप अपने UPS की बैटरी चेंज कर सकते हैं और आप वही बैकअप गेन कर सकते हैं अपने पुराने UPS में जो कि आपने उसे स्टार्टिंग में यूज करते हुए गेन किया था। दोस्तों फिफ्थ नंबर के UPS के बारे में जानते हैं, जो कि आता है ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से, और इस ज़ेब्रोनिक्स से UPS के अंदर आपको देखने को मिल जाता है सर्ज प्रोटेक्शन, यानी कि आपके पीसी तक एक स्टेबल पावर डिलीवरी होगी जिसकी मदद से आपके पीसी को कोई भी इलेक्ट्रिकल टर्म्स के तौर पे किसी भी तरीके का डैमेज नहीं देखने को मिलेगा और आपके पीसी बिल्कुल स्मूथली फंक्शन करेगा। साथ ही में यहां पे आपको कैपेसिटी के तौर पे 600 VA की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अगर आपको इनको वोट्स में कन्वर्ट करना है तो बस आपको 600 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि होता है 360 वोट्स, यानी कि 360 वोट्स तक की मैक्स पावर डिलीवरी देखने को मिलेगी आपको इस UPS के साथ में, जो कि मैं मानता हूं मॉडरेट पीसीज के लिए काफी अच्छी चॉइस रहेगी। अगर आपके पास एक मॉडरेट पीसी है जो कि किसी हाई एंड प्रोसेसर पर रन नहीं करता, तो मैं मानता हूं आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है ज़ेब्रोनिक्स का ये UPS। साथ ही में यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना है कि ये राउटर को पावर डिलीवरी देने में कंपेटेबल नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप राउटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कोई अदर पावर डिलीवरी सोर्स पे आप कनेक्ट कीजिए। साथ ही में यहाँ पे आपको वारंटी के तौर पे 1 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। और रही बात यहाँ पे प्राइसिंग की, तो ओनली 1900 रुपीज ये आपको कॉस्ट करेगा ऑन Amazon। बाइंग लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ नंबर के UPS के बारे में बात की जाए तो वेरटिव की तरफ से ये UPS आपको देखने को मिल जाता है मार्केट के अंदर, और इस UPS के अंदर आपको देखने को मिल जाता है AVR का सपोर्ट, जिसका मतलब ये है कि आपके PC तक स्टेबल पावर डिलीवरी देगा ये UPS जब भी आपके घर पे पावर कट होएगा। साथ ही में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है 360 वोल्ट तक की बैटरी कैपेसिटी इस UPS के साथ में, जो कि मॉडरेट PC के लिए एक अच्छी चॉइस रहेगी। अगर आपका जो काम है वो मॉडरेट यूसेज का है, यानी कि बस ऑफिस वर्क करते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा सोर्स बन जाता है ये UPS। साथ ही में यहाँ पे आपको 15 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है इस UPS के साथ में, ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर पाए अपने PC में जब भी आपके घर पे पावर कट हो। और ये UPS कंपेटिबल है आपके राउटर को चार्ज करने में, यानी कि आपके राउटर को पावर डिलीवरी देने में जब भी आपके घर पे पावर कट होगा, तो ये राउटर को भी पावर डिलीवरी देगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी पावर डिलीवरी नहीं देगा, जैसे कि पिछला UPS जो है वो पावर डिलीवरी नहीं देता था आपके राउटर्स को। जानते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो 2 साल की वारंटी अवेलेबल है इस UPS के ऊपर। और रही बात प्राइसिंग की, तो 3000 रुपीज ये आपको कॉस्ट करेगा ऑन Amazon। और दोस्तों अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना ऑन रेगुलर बेसिस, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। अभी तो आप अपने PC के लिए एक अच्छा सा UPS बाय कर रहे हैं, क्या पता फ्यूचर में आपको अपने PC के लिए ही माउस या कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी और आप उन्हें ही ऑनलाइन बाय करने की सोचेंगे, और आप चाहते होंगे कि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए आपकी नेक्स्ट ऑनलाइन परचेज के ऊपर, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको ढेर सारी डील्स और ऑफर्स की जानकारी देखने को मिल जाएगी इन्हीं जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर। और साथ ही में दोस्तों अगर आपको आज के इसमें से कोई भी UPS पसंद आया और आप चाहते हो उसे बाय करना, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहां से जाके आप अच्छा सा UPS बाय भी कर सकते हैं और साथ ही में उसके ऊपर जानकारी भी जान सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं।
थर्ड नंबर के यूपीएस के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे आपको एपीसी का BX600C यूपीएस देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोस्तों देखना चाहते हैं एक डिटेल वीडियो अबाउट दिस यूपीएस तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उस वीडियो का लिंक आपको इस आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और साथ में जानते हैं यहाँ पे इसके फीचर सेट के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप के तौर पे 600 VA की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि जनरेट करके देती है 360 वाट तक का बैटरी बैकअप जो कि आपके लिए मैक्स रन कर सकता है 5 मिनट्स तक। अगर आपकी पावर यूसेज जो है वो 240 वाट तक वेरी करती है तो आपके लिए 15-20 मिनट्स तक का बैटरी बैकअप जनरेट करके दे सकता है। और साथ ही में ये AVR सपोर्टेड है जिसका मतलब ये है कि आपके पीसी तक जो पावर डिलीवरी रहेगी वो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगी ताकि आपके पीसी में किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिकल फ्लो का इशू देखने को ना मिले और आपका पीसी जो है वो स्मूथली रन कर पाए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लो पावर मोड जिसकी मदद से आप अपने राउटर को भी रन कर पाएंगे इस यूपीएस के ऊपर। जानते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है आपको इस यूपीएस के ऊपर। और रही बात प्राइसिंग की तो ऑलमोस्ट 3,300 रुपीज ये आपको कॉस्ट करेगा ऑन Amazon। और दोस्तों सारे बैंक लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। टॉकिंग अबाउट सेकंड यूपीएस ऑफ द लिस्ट, तो ये यूपीएस मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिन लोगों के पास एक मिड टियर लेवल का गेमिंग पीसी है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एपीसी के यूपीएस के बारे में जो कि आता है 1200 VA के साथ में जो कि आपके लिए 650 वोट तक की पावर बैकअप को जनरेट करके दे देता है जो कि मैं मानता हूँ मिड टियर लेवल वाले गेमिंग पीसी के लिए सफिशियंट रहेगा। और आप अपने जो वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं उनके प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं जब भी आपके घर में पावर कट आ जाए या फिर आप अपनी गेम खेल रहे हो तो उन्हें भी आप सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको AVR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इस UPS के साथ में ताकि आपके UPS तक एक स्टेबल पावर कनेक्शन की डिलीवरी बनी रहे। और यहाँ पे आपको लो पावर मोड की कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाती है जिसकी मदद से आप अपने राउटर को भी कनेक्ट कर पाएंगे और वो इजीली रन कर पाएगा इस यूपीएस के ऊपर। यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इस यूपीएस के साथ में जिसकी मदद से आप अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं इस यूपीएस के साथ में। रही बात यहाँ पे वारंटी की, तो 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी इस यूपीएस के ऊपर। और जानते हैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में, तो 7500 रुपीज ये आपको कॉस्ट करेगा ऑन Amazon। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कंसिडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में भी ताकि वो भी अपने लिए एक अच्छा सा यूपीएस ले सकें। कमिंग टू द फर्स्ट यूपीएस ऑफ द लिस्ट और आज की इसमें से मेरा फेवरेट यूपीएस जो कि अगेन आता है एपीसी की तरफ से, एपीसी का BR1500G। इस यूपीएस के अंदर जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा वो मिलेगा 865 वोट तक का जो कि मैं मानता हूँ हाई एंड गेमिंग पीसी तक को भी सपोर्ट कर सकता है। और बैटरी बैकअप जो है वो काफी अमेजिंग है इसलिए ये मेरा आज की इसमें नंबर 1 पे यूपीएस है। यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप जो है देखने को मिल जाता है 45-60 मिनट्स तक का जो कि मैं मानता हूँ काफी ज्यादा हाई है इन कंपेरिजन टू अदर यूपीएस। पर उसका लोड जो है वो डिपेंड कर सकता है कि कितना बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पीसी का लोड जो है वो ज्यादा होगा तो आपको थोड़ा कम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बट काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू अदर यूपीएस। साथ ही में यहाँ पे आपको AVR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है ताकि आपके पीसी तक एक स्टेबल पावर डिलीवरी कनेक्शन बना रहे। और यहाँ पे आपको लो पावर लोड वाले अप्लायंस को कनेक्ट करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है यानी कि आप अपने राउटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं इस यूपीएस के साथ में। जानते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो लगभग 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है इस यूपीएस के ऊपर। और रही बात प्राइसिंग की, तो 18,000 रुपीज ये आपको कॉस्ट करेगा ऑन Amazon। जानता हूँ प्राइस थोड़ा ज्यादा इन कंपैरिजन टू अदर यूपीएस, पर ये हाई एंड गेमिंग पीसीज को भी सपोर्ट करता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सो दोस्तों ये थी आज ही हमारी एक डिटेल वीडियो अबाउट यूपीएस। अगर आपको दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना काफी ज्यादा पसंद है तो प्लीज कंसीडर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं और चाहते हैं अच्छा खासा डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट ऑनलाइन परचेज, तो आई वुड रिकमेंड कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको ढेर सारी डील्स और ऑफर्स की जानकारी देखने को मिल जाएगी जो कि आपके मनी को सेव करवाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी। और दोस्तों आपको आज की इसमें से कोई भी यूपीएस पसंद आया और आप चाहते हैं बाय करना, तो सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। वहां से जाके आप डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं और भी ज्यादा जानकारी जान सकते हैं इन सभी यूपीएस के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा सफर बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। आपकी हर शॉपिंग नीड्स के लिए खोज डीलर आपके साथ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।